नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे पीएम किसान में अपना ई केवाईसी कैसे करेंगे, आधार ई केवाईसी आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से इजीली आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आपने कर रखा है ई केवाईसी खुद से तो आपका ई केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका आप स्टेटस कैसे देखेंगे कि आपका ई केवाईसी सक्सेसफुल तरीके से हो चुका है या कहीं फेल हो चुका है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ कि ई केवाईसी करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 31 मई 2022 तक ही रखा गया है। अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं किया हुआ है तो आप जल्द से जल्द कर लें ताकि आपको पीएम किसान का जो बेनिफिट मिलता है वो आपको समय से मिलता रहे, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ई केवाईसी करने के लिए जो डेट है वो 31 मई 2022 तक रखा गया है लास्ट डेट। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको ई केवाईसी करने का पूरा फुल प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, ई केवाईसी करके अपना ई केवाईसी आपको कैसे करनी है। वीडियो को शुरू करने से पहले करूँगा छोटा सा रिक्वेस्ट कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी कौनसन को दबाइए ताकि इस तरह का अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली इस पेज पर आ जाइएगा। आने के बाद आपको यहाँ पर ई केवाईसी पर आपको टाइप करना है या डायरेक्ट लिंक भी आपको इसको हम दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है और सर्च पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, OTP बेस्ड ई केवाईसी यानी कि OTP के थ्रू आपको ई केवाईसी करना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर कीजिए और सर्च पे क्लिक कीजिए। ठीक है, सर्च पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। ठीक है, और गेट OTP पे अब क्लिक करते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर हम अपना एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना ऊपर में मोबाइल आधार नंबर एंटर किया, नीचे में हम अपना मोबाइल नंबर डाल दिए हैं और गेट मोबाइल OTP पे हम अब क्लिक करेंगे। जो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, तो OTP फ़िलहाल आ चुका है तो हम OTP को यहाँ पर हम अपना एंटर करके सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पर अपना OTP डाल देते हैं। ठीक है, 2472 मेरे को OTP आया है, सबमिट OTP पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे अब हमें गेट आधार OTP पे क्लिक करना है फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आधार के साथ आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा उस पे आपको अब एक OTP आएगा, तो हम उस OTP को भी हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे OTP जो मुझे मिला है 62 27 88, यहाँ पे OTP डाल देते हैं 62 27 88 डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे कि EKYC हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। ठीक है, तो यानी कि हमारा EKYC सक्सेसफुल तरीक़ा से कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ नहीं करना है, आपको आधार नंबर डालना है अपना फर्स्ट में, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा 4 डिजिट का, वो OTP डाल दीजिए। इसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, 6 डिजिट का वो OTP होगा, उस OTP को डाल दीजिए और आपको सबमिट पर क्लिक करना है, आपका EKYC हो जाएगा। तो आशा करता हूँ जानकारी साथ आपको अच्छी लगी हो। चलिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे नए जानकारी के साथ आपका दिन।